अखिल भारतीय बौद्ध महासभा चिमूर द्वारा विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा क्रांति ज्योति सूर्य महात्मा फुले की संयुक्त जयंती समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय बौद्ध महासभा चिमूर द्वारा विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा क्रांति ज्योति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के संयुक्त जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ के एडवोकेट भूपेश पाटिल थे। प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में अनीश जिला कार्याध्यक्ष प्रदीप अड़की ने मुख्याध्यापिका शारदा गेडाम, प्राध्यापक हरीश गजबीर, सुरेश डांगे, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष केशव अंबादे, चिमूर प्रेस के चुन्नीलाल कोड़वे, जितेंद्र सहारे आदि मौजूद थे। इस दौरान मान्यवरों द्वारा महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को पुष्पमाला अर्पण की गई। ध्वजारोहण संतोष भैसारो के हाथों किया गया एवं नीले ध्वज को सलामी देकर पंचशील ग्रहण करने के पश्चात अभिवादन किया गया। इस दौरान शाम के समय पंचशील चौक से महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा के साथ भव्य रैली का आयोजन किया गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस रैली में हजारों की संख्या में बौद्ध बांधव मौजूद थे। चिमूर से हमारे संवाददाता बालू सातपुते की रिपोर्ट।